रीवा में आधार कार्ड बनाने के नाम पर अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया है। यहां एक आधार कार्ड बनाने ग्राहक से 2500 रुपए ले लिए गए और आधार कार्ड भी नहीं बनाया गया, जिसके बाद अब पीड़ित खुद को ठगा महसूस करते हुए आधार कार्ड बनवाने के लिए फटक रहा है। मामला जिले के गढ़ थाना क्षेत्र गढ़ कस्बे का है, जहां एक फरियादी ने कस्बे में ही एमपी ऑनलाइन की दुकान संचालित करने वाले संचालक पर आधार कार्ड बनाने के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि आधार कार्ड अब हर व्यक्ति की जरूरत बन चुका है और आधार कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज भी बन गया है। ऐसे में आधार कार्ड बनाने के नाम पर जमकर धांधली और अवैध वसूली की जा रही है। मऊगंज जिले के नईगढ़ी में रहने वाले फरियादी दिनेश रावत के मुताबिक वह आधार कार्ड बनवाने के लिए गढ़ कस्बे में संचालित गर्वी कंप्यूटर एंड एमपी ऑनलाइन की दुकान गया था, जहां पर उससे आधार कार्ड बनाने के नाम पर 2500 रुपए ले लिए गए, लेकिन आधार कार्ड नहीं बनाया गया। फरियादी का आरोप है कि वह पैसे देने के बावजूद आधार कार्ड बनवाने के लिए भटक रहा है। वह इसी तरह से दिन भर लोगों से अवैध वसूली भी की जा रही है, जिस पर शासन और प्रशासन जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। आज आप यहाँ पर आए हैं, आपकी क्या समस्या? समस्या यह है कि हम आधार कार्ड पहले बनवाए थे तो निकला नहीं था, वो बोले कि हम बना देंगे तुम्हारा आधार कार्ड दे के, फिर वो बनाए नहीं और 2500 रुपये हमसे भी ले लिए हैं। अब वो बोल रहे हैं कि वो वोटर आई डी लेके रीवा जाओ तब बनेगा। कहाँ बनवाए थे आधार कार्ड? जी गढ़ गर्वी ऑनलाइन। गर्वी ऑनलाइन कहाँ पर है? जी गढ़ ये मंदिर, क्या कहते हैं, दुर्गम ये तो मंदिर के सामने। कब आए थे आप? हम आए थे होली के पहले, 10 दिन पहले। क्या दिक्कतें थी आपको? अब वो अब आधार कार्ड नहीं बना रहे हैं, वो बनाए या पैसा हमारा वापस कर दिए। कितना पैसा लिया? 2500। क्या बोल के आपसे पैसा लिए थे? वो बोले थे कि हम तुम्हारा आधार कार्ड बना देंगे, हम पैसा आधार कार्ड बना देंगे तो नहीं लेंगे, नहीं नहीं लौटाएंगे पैसा, अगर नहीं बनेगा तो हम पैसा लौटाएँगे। पैसा मांगे तो क्या बोले? रीवा चले जाए। हाँ, अब वो बोल रही हैं कि रीवा चले जाइए। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा आधार कार्ड बने या तो पैसा हमारा वापस हो जाए। नहीं तो मैं थाने में रिपोर्ट करूँगा। जी नहीं तो मैं थाने में रिपोर्ट करूँगा। मैं तो थाने में रिपोर्ट करूँगा।